नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार, यूपी और खासकर बीजेपी से शासित राज्य जो हैं वो किस तरह से जातिवाद का अड्डा बन गए हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए किस तरह से कब्रगाह बन गए हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश की। आप सब लोग कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस की राजनीति में फंसे हुए, कोई बस दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो ने कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों से जैसे राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों से क्या अप्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंचा दिए गए हैं, फिर यूपी में ही बस क्यों भेजी जा रही है। तो ये तो साफ है कि कांग्रेस जो है वो अपनी वजूद तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरी एक राय है, निजी राय है कि हर पार्टी को अधिकार है वजूद तलाशने का। और मायावती जी, अखिलेश यादव जी, आप भी वजूद तलाशिए और आप भी कुछ बड़ा काम कीजिए उनसे बड़ा हट के। मायावती जी ने किया भी है, उन्होंने ट्रेनों का किराया दिया है, लेकिन वो गुपचुप तरीके से काम करती हैं। लेकिन समय है, ये बात तो है, जो मार्केटिंग करने की ताकत, जो हिम्मत इस देश में कांग्रेस बीजेपी में है वो बाकी के दलों में नहीं है, तो होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल अलग है। बीएसपी के सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उन्होंने ही एक चिट्ठी जारी की है कि किस तरह से यूपी में मुसलमानों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर है वो कब्रगाह बन गया है। वहाँ 45-45 दिन से लोग रखे जा रहे हैं, ना खाना है ना रहने की सुविधा है। बिहार में तो चिवड़ा और नमक से लोग काम चला रहे हैं। तो मैं पहले यूपी की बात करूँगा, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर की बात करूँगा। ये चिट्ठी 15 मई को कुंवर दानिश अली ने लिखी है कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जिन हज़ारों लोगों को प्रथम चरण के लॉकडाउन से ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, विशेष रूप से मेरे लोकसभा क्षेत्र अमरोहा में पिछले 45 दिनों से 25 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण और उनकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनका क्वारंटाइन समय समाप्त होने के बावजूद उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण यह लोग मानसिक रूप से आहत हैं। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में है, उत्पन्न है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। क्या बेकसूर लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसी स्थिति में क्वारंटाइन रखे गए लोगों को किसी बीमारी के शिकार न हो जाए, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति को समझा जाए और उन्हें तुरंत घरों को भेजा जाए। तो ये दानिश अली की चिट्ठी, और ये देश भर में ये हालत है, बिहार में भी यही हालत, यूपी में खासकर। अगर आप मुसलमान हैं, पहले किस तरह से मीडिया ने मुसलमान को कोरोना वायरस बता दिया तबलीगी जमात के नाम पर, उसके बाद मुसलमानों को जगह जगह क्वारंटाइन किया गया, उनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार हुआ, और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चिट्ठी है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है, ये मेरे वीडियो एडिटर को मैं चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो दिखाएँ कि किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर की हालत है। सर, देखा जाए बैजनाथपुर मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में किस तरह का खाना दिया जाता है, देखा जाए। सूखा चूरा मिर्ची, सूखा चूरा नमक और मिर्च, देखा जाए। सर, बिहार सरकार जो सोए हुए हैं उसका जरा नींद खोलवा दीजिए। ए भैया, थोड़ा टप को हटाइए, तो टप का ढक्कन हटाइए, तो टप का ढक्कन हटाइए ना, एक बार सबका ढक्कन हटाइए ना, इसका फोटोग्राफी हुआ हटाइए, हटाइए ना, पूरा हटाइए ना, उसको देखिए देखिए, इसमें देखिए क्या सामग्री है खाने के लिए, देखिए देखिए क्वारंटीन सेंटर का हाल देखिए, ये देखिए बैजनाथपुर मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा का ये सीन देख लीजिए, देखिए सर, ये देखिए, यही है बैजनाथपुर उच्च विद्यालय मनोहर उच्च विद्यालय बैजनाथपुर का सीन देख लीजिए। बिहार सरकार जो सोए हैं उसका जरा आँख खोलवा दीजिए, देखिए सबके हाथ में वही चीज है, देखिए किसी के साथ में दूसरा चीज नहीं है, देखिए देखिए सबके सामने, देखिए हरी मिर्च और नमक सूखल चूरा देख लीजिए। बिहार सरकार जो सोए हुए ना उसका थोड़ा आँख खुलवा दीजिए। तो देखा आपने, ये चूरा, ये हम जिसको पोहा बोलते हैं, आप लोग जो पोहा खाने से बांग्लादेशी की याद आ जाती है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, महासचिव हैं, और बंगाल में जिस तरह से जो जादू का खेल आजकल दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कैलाश विजयवर्गीय, उनके इंदौर में भैया सबसे ज़्यादा कोरोना की मार है। तो ये देखिए, इसको पोहा बोलते हैं आप रेस्ट ऑफ इंडिया में, हमारे यहाँ जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे, यूपी के चूरा बोलते हैं इसको। नमक मिर्च के साथ क्वारंटाइन सेंटर में दिया जा रहा है, बहुत अमानवीय हालत है। और इस पर मीडिया नहीं दिखाएगी, मीडिया के लिए क्या खबर है कि क्वारंटाइन सेंटर में नाच गाने का प्रबंध हुआ, तो मीडिया का तो सर खर्च छोड़ दीजिए। कुछ वीडियो देखिए, ये जो बस की राजनीति हो रही है, खालिस राजनीति है,
सुमित अवस्थी जो तेजस्वी यादव वाले मीडिया पर ट्रोल हुए थे, आप देखिए कितने कितने मतलब घटिया किस्म के वो मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जातिवादी हैं। वो उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया है जिसमें प्रियंका और योगी और अखिलेश, सोचिए अखिलेश कहाँ राजनीति करें, मुझे लगता है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। मायावती हों, अखिलेश हों, तेजस्वी हो, उनको साफ साफ आके बोलना चाहिए कि भैया महामारी है लेकिन सरकार क्या कर रही है, घंटी बजा रही है, सरकार 20 लाख करोड़ किसको पहुंचा रही है, क्वारंटाइन सेंटर की हालत क्या है, क्या क्वारंटाइन सेंटर के लिए सरकार खर्च नहीं कर रही है। अरे भैया वो हमारा आपका पैसा है, वो कहीं से नहीं आया, 500-500 रुपये 1-1 हज़ार रुपये के बिल काटे गए होंगे। तो सोचिए इसी को कहते हैं महामारी को भी अवसर में तब्दील कर देना, और इसमें बीजेपी का तो सानी नहीं है। नीतीश जी आपको क्या हो गया है, कुछ तो मतलब कुछ तो सोचिए कि आप किन लोगों के साथ ये कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप चाहे तो स्थिति बदल सकते हैं, तो इस पर राजनीति होनी चाहिए, जमकर राजनीति होनी चाहिए। और आप राजनीति की इन मुद्दों पर नहीं करेंगे, जब लोग ही मर जाएंगे तो किस पर राजनीति करेंगे। तो प्रियंका गांधी अच्छा करे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी उन कांग्रेस शासित राज्यों से सारे लोग पहुंच गए हैं अपने अपने इलाकों में, या यूपी में वो पॉलिटिकली फोकस कर रही हैं। सोनिया गांधी का इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं ट्रेन का किराया दूंगी। नितिन राउत नागपुर में महाराष्ट्र में उनके मंत्री, उनका इनिशिएटिव अच्छा था, उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, और बिहार के क्वारंटाइन सेंटर की हालत बता रहा था। और बरखा दत्त को मैं पूरे, अगर कोरोना पीरियड के लिए अगर किसी पत्रकार का नाम लिया है तो बरखा दत्त ने शानदार रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, बरखा ने अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने गरीब कहा है, मजबूर कहा है, उन्होंने जाति नहीं पता की है। अगर इस देश में ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो एक जाति विशेष के लोग हैं और वो सड़कों पर होते तो स्थिति खत्म हो जाती। इस देश में गरीबी है तो उसके पीछे जाति है, और ये खेल जो है इस देश के कम से कम जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी पत्रकार हैं वो तो न समझने का नाटक करते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग भी जो हैं वो इसको नहीं समझते हैं। तो यूपी जो है फिलहाल मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए एकदम कब्रगाह है। कल आपने देखा होगा संभल में किस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके और उनकी पत्नी फिलहाल पंचायत चुनाव जीत चुकी है, उसको किस तरह से सरेआम गोली मार दी जाती है। तो ये देश भर में मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ अत्याचार बनकर आया है कोरोना, और सुप्रीम कोर्ट के भी इसी तरह से फैसले आ रहे हैं। तो ये आपको बता रहा था कि किस तरह से बुरी हालत है इस देश में, और सब कुछ ऐसे छोड़ दिया गया है। पता नहीं वो 20 लाख करोड़ कहाँ है, किसके लिए है, और उसको कौन फ़ायदा उठा रहा है। फिलहाल पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, चाहे ये दिल्ली NCR की तस्वीर है, देश भर से मेरे पास तस्वीरें आई है, मैं आपको दिखाऊंगा। आम आदमी, गरीब आदमी, लाचार आदमी, जिसमें ज़्यादातर 85-90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सड़कों पर भूखे लाचार मरने को मजबूर हैं, जबकि इस देश को बनाने में उनका हाथ है, वही मेहनतकश लोग हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है, क्या दलित पिछड़े आदिवासियों से बदला लिया जा रहा है कोरोना के बहाने, जरूर बताइएगा, शुक्रिया। तो जो बस ट्रक की जो खबर है ना, प्रियंका गांधी का बस और योगी आदित्यनाथ का बस, उधर से सुने कि 22 लोगों पर FIR दर्ज किया, 22 कांग्रेसी नेताओं पर यूपी सरकार ने, और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू जी, उनका वीडियो आपने देखा होगा, उनको कैसे पुलिस टांग के ले जा रही है। इसी बीच अयोध्या में बीजेपी के एक विधायक को लोगों ने दौरा लिया, ये वीडियो देख रहे हैं, ये खेत की तस्वीर है, और ये कोई लोग शेर या गीदर नहीं हड़का रहे, हड़काना मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि भगाना होता है उसको, शेर गीदर को भगाते हैं लोग या जानवर को खेतों से भगाते हैं, ये बीजेपी के विधायक थे। लोग इतने नाराज हैं साहब, कोरोना और लॉकडाउन में इतनी नाराजगी है, मतलब 55-56 दिन बाद भी लोगों के पास खाना नहीं है, बेरोजगारी है, सरकार कोई मदद कर नहीं रही है, कब तक TV अखबार के जरिए मार्केटिंग कीजिएगा। तो ये नतीजा इनको बीजेपी विधायक को भुगतना पड़ा, और इनको लोगों ने खेतों में दौड़ा लिया। मतलब ये पूरी डिटेल है, अयोध्या की खबर है कि बीजेपी के एक विधायक को लोग खेतों में दौड़ा रहे हैं और उनको मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, और बेचारे किसी तरह से जान बचाकर भागे, फिलहाल सुरक्षित हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने नेताओं से शिकायत कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए, ये ठीक नहीं है। तो
ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप हिंसा का समर्थन मैं नहीं करता हूँ और किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उससे बात कीजिए, लेकिन हिंसा करना किसी तरह से ठीक नहीं है। तो वो पूरी सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल है कि किस तरह से बीजेपी के विधायक को लोगों ने दौड़ाया है, तो लोगों में बहुत नाराज़गी है और टीवी अखबार के जरिए बहुत राजनीति अब चलने वाली है नहीं। तो अयोध्या की ये खबर है और लगातार लोग जो हैं वो बीजेपी से खासकर नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की राजनीति चरम पर है और वो लोग एफआईआर खेल रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।